नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं दिकारी टॉक शो। बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त, दूसरा दिन है आज, और इसी बारिश में हम आपको आज दिखाएंगे। हम अभी थोड़ी देर में अपने फार्म पे जा रहे हैं और बारिश का जो है वो अभी थमने का कोई इम्कान नहीं है। इतनी बारिश हो रही है कि जगह जगह पानी भर चुका है और सारे हालात जो हैं वो बाढ़ के बन रहे हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपनी कार में सवार होके अपने फार्म हाउस की तरफ, और लगातार वाइपर चल रहा है गाड़ी का, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और अभी आने वाली है रामगंगा नदी, उसका पानी भी आपको दिखाएंगे। ये रामगंगा के पुल पे हम चल रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बादल इतना गहरा हुआ हुआ है कि अभी कुछ नहीं पता कि कब तक बारिश होगी। देखिए कितना पानी आया हुआ है रामगंगा नदी के अंदर, और ये इवेंचुअली बढ़ेगा आगे जा कर के। देख सकते हैं आप, तमाम खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हम रामगंगा के पुल पर चल रहे हैं इस वक्त। देखिए हम आगे निकल आए हैं, और ये ताजपुर का इलाका है मुरादाबाद का, वहाँ पर भी सड़कों में, सड़क तो इस वक्त है ही नहीं, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क चल रही है, तो उन गड्ढों में भी पानी भरा हुआ है। ये सब लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, और फार्म की तरफ हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। ये देखिए रामपुर दुराहे का इलाका है, और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि हमारे आगे जो बुलेरो चल रही है उसके भी लगभग आधे टायर भीगे हुए हैं, अंदर डूबे हुए हैं, और इसमें पानी दुकानों के अंदर तक गया हुआ है, इतना पानी भर चुका है एक दिन की बारिश में। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं बारिश को होते हुए। तो अब हम आ चुके हैं मुरादाबाद नैनीताल हाईवे की तरफ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेतहाशा इस हाईवे में इतने गड्ढे हैं कि हाईवे नज़र नहीं आएगा, सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि कितनी मुश्किल से ट्रक, बस और गाड़ियाँ जो हैं वो इस रोड पे चल रही हैं, और बहुत ही हल्की स्पीड में मुरादाबाद नैनीताल हाईवे के ऊपर इस वक्त वाहनों का आवागमन हो रहा है। जगह जगह जाम लग रहे हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार इसको देख रही है, ना ही राज्य सरकार इसको देख रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, मगर ये मुरादाबाद नैनीताल का जो हाईवे है ये गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। इतने गड्ढे सारे हिंदुस्तान में किसी भी हाईवे पर आपको नहीं मिलेंगे जितने के इस हाईवे पर मौजूद हैं। जब किसी गाड़ी के अंदर कोई खराबी आ जाती है, टूट फूट आ जाती है इस हाईवे के ऊपर, तो उसके पूरे पूरे जो जिम्मेदार हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उत्तर प्रदेश का PWD विभाग है, कि जिसकी वजह से ये रोड पिछले 2 सालों से नहीं बन पाई है। गड्ढे इतने गहरे हैं और उनमें इतना पानी भरा हुआ है कि अगर आप चाहें तो इसमें बड़े आसानी से धान की खेती कर सकते हैं। अगर इसमें राज्य सरकार धान बोने के लिए लीज पे दे दे तो राज्य सरकार को अच्छी कमाई हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये
गांव का हाट बाजार है जिसके ऊपर पूरी तरह से पानी फिर चुका है और अच्छा खासा पानी इसमें भरा हुआ है। ये हम गोधी के बाजार से गुजर रहे हैं और इसके आगे हमीरपुर पर एक छोटी सी नहर जाती है। उस नहर में इतना पानी आया है कि वो पानी यहाँ तक फैल गया है। बहुत मुश्किल से हमारी गाड़ी इन गड्ढों से निकलती हुई आगे बढ़ रही है। जगह जगह हर गड्ढे में इतना पानी है कि बड़े आसानी से धान की खेती उस पर हो सकती है। अब हम ये साइड वाली रोड लेकर के अंदर से होके जा रहे हैं गांव में। हालांकि इसमें भी छोटे छोटे गड्ढे हैं लेकिन उतने नहीं हैं कि जितने के नैनीताल और मुरादाबाद वाले हाईवे पर वो गड्ढे मौजूद हैं, जैसा कि आपको अभी हमने वीडियो में दिखाया है। तो हम अपने फार्म पे आ चुके हैं, लगभग मुड़ने ही वाले हैं। हाईवे से उतर के ये हमारा फार्म है और फार्म की तरफ हम मुड़ रहे हैं। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो हमारा फार्म हाउस है। वहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, अपना खाना पीना खा के फिर घर वापस जाएंगे और उसी गड्ढों भरे हाईवे से वापसी करेंगे। तो दोस्तों, ये अगले दिन का वीडियो है जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया, वो एक दिन पहले का वीडियो था। अब हम अगले दिन दोबारा से मैं जायज़ा लेने निकला हूँ कि कितना पानी रामगंगा में आया है। तो बुरी तरह से रामगंगा में पानी आया हुआ है। थोड़ी देर पहले जो वीडियो आप देख रहे थे उस हिस्से में जब आप रामगंगा देखेंगे तो उतना पानी आपको नहीं नज़र आएगा। ये मैं पुल पर खड़ा हूँ रामगंगा के मुरादाबाद वाले, और दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ पर पानी ही पानी दिख रहा है। तो अब हम आ गए हैं सेहल हॉल्ट की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास है उस अंडरपास में कितना पानी भरा हुआ है। कई बार रेलवे को इसके बारे में शिकायत भी की गई है कि यहाँ की रोड पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है, मगर रेलवे के पास शायद पैसे नहीं हैं। हाल ही में आपको पता चला होगा कि चूहे पकड़ने के लिए मुरादाबाद डिवीज़न ने लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च किया है मुरादाबाद डिवीज़न में, मगर ये अंडरपास की हालत ये बता रही है कि वो पैसे जो हैं वो चूहे पकड़ने के लिए मौजूद हैं मगर अंडरपास को ठीक करने के लिए नहीं। तो देखिए पानी किस तरह से गाँवों में घुस चुका है, लोगों के घरों में घुस चुका है, जगह जगह बाढ़ आ रही है और प्रशासन ने इसका जायज़ा भी लिया है। अब ये नहीं पता कि इस पानी से जो नुकसान हुआ है उसमें किसानों को कितना मुआवजा सरकार देगी या नहीं देगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पानी के बीच से होकर के गुजर रहे हैं। और अब हम एक बार फिर रामगंगा के पुल पर आ गए हैं। आप देखिए कितनी तेज़ी से पानी यहाँ पर निकल रहा है एक दो दिन की बारिश में। बुरी तरह से रामगंगा चढ़ी हुई है और अपना रौद्र रूप यहाँ पर दिखा रही है। हम आपको पैन करके खेतों की हालत दिखाते हैं अभी, किस तरह से खेतों में पानी घुस गया है और जो मकानात बने हुए हैं थोड़े बहुत उन मकानों के अंदर भी पानी जा चुका है। ये लहरें रामगंगा में उठ रही हैं। ये पुल के बाद जब हम ताजपुर की तरफ जाते हैं, रामपुर की तरफ निकलते हैं, ये वो इलाका है और यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से घरों के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर पानी जा चुका है रामगंगा का और समंदर बन चुकी है रामगंगा, सारे खेत डूब चुके हैं। ये हाल आप देख सकते हैं कि ताजपुर में किस तरह से पानी सड़क क्रॉस कर रहा है, जो मेन रोड है रामपुर दुराहे और जामा मस्जिद के इलाके को जोड़ने वाली, उस पर से पानी गुजर रहा है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से पानी जो है वो मेन रोड पे आ चुका है और ये पानी बह करके जो घर बने हुए हैं, गलियां बन गई हैं,
जामा मस्जिद पुल से ताजपुर के बीच में, उसमें भी जा रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अभी मुरादाबाद के जो ज़िला अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने जा कर के बस्तियों का जायज़ा भी लिया है, देखा है, हालातों को देखा है कि किस तरह से पानी ने क्या नुकसान पहुँचाया है, और वहाँ पर उन्होंने मुआवजे का और नुकसान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। ये फिर से हम एक बार आपको सेहल हॉल्ट पे ले आए हैं। वहाँ पर पानी की स्थिति जूं की त्यों बनी हुई है, तीसरा दिन आ चुका है, बारिश अब थम गई है, लेकिन पानी जो है जो पहाड़ों पर बरसात हुई है उससे बह कर के आया है, जिसमें ढेला नदी और रामगंगा नदी के अंदर जब पानी आया है तो उसने इस तरह से तबाही मचाई है। और ये वही अभी थोड़ी देर पहले जो आपको हमने अंडरपास दिखाया था, वही अंडरपास है, और लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना है। सारे खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है और जगह जगह पर जो धान की फसल बोई गई थी वो लेट गई है और पानी में डूब चुकी है, और जो फसलें डूब गई हैं पानी में उनके अंदर ना तो धान आएगा ना चावल बनेगा, और जो किसान हैं उन लोगों को बहुत नुकसान होगा। तो देखिए, कोई किसी गांव देहात की गली, कोई सड़क बची भी नहीं है जहां पर पानी ना हो, और पानी जो है वो सड़क से भी क्रॉस कर रहा है, सब जगह पे पानी ही पानी फैला हुआ है। ये सेहल हॉल्ट के दूसरी तरफ जो अंडरपास है उसकी दूसरी साइड में हम आपको लेके आए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ने सड़क को काट दिया है और उसकी जगह पर एक गड्ढा हो गया है, और गड्ढे में रेलवे ने मिट्टी भरने का काम किया है अभी, और पानी जो है ये ढेला नदी का पानी है जो इस तरफ से चढ़ा है, और दूसरी साइड में रामगंगा का पानी है, और ये मिट्टी डाल करके गड्ढे को भरने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन परेशानी हो रही है और गाड़ियां तो बिल्कुल इस रोड पर निकल ही नहीं सकती। हम आपको वापस जाते हुए दिखाएंगे किस तरह से खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है और ज़्यादातर फसलें जो हैं वो डूब चुकी हैं और धानों में काफ़ी नुकसान है। ये धान का खेत था जिसके अंदर आप इस वक्त सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और धान इसमें कहीं नहीं नज़र आ रहे, सब अंदर डूबे हुए हैं। और इसी तरह से आगे हम चलेंगे, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, हमारी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए द करी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।